सांस लीजिए, यहां से सांस लीजिए। हमारी पसलियां। आराम कीजिए, आराम कीजिए। डॉक्टर साहब क्या लग रहा हूँ? अम्मा जी का राम नाम सत्य होने वाला था, पर दुख की बात ये है कि अभी इनका टाइम नहीं आया है। ना सुबीते टाइम आएगा तेरो पूरे खानदान को। मुझे खुशी होगी अम्मा जी। तुम ना चिल्लाओ तो मैं फिर बीपी बढ़ जाए। तो हम बात कर रही ना अम्मा, तुम मेरे को शांत रहो। डॉक्टर साहब क्या लगता है अम्मा कब तक ठीक हो जाइए? देखिए भाभी जी, इस उम्र में हड्डी की चोट बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। देखिए इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। तो रेस्ट ही तो कर रही है अम्मा, हम कौन सा दौड़ा के इतने से लखनऊ लेके जाने वाले हैं। अम्मा रात भर आराम करेंगी, कल सवेरे निकल लेंगे, हैं दरोगा जी? आऊ आऊ जी। नहीं, बेड रेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा पलंग से बाथरूम और बाथरूम से पलंग, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। डॉक्टर साहब खानों का होगा? बेड पर ही। अच्छा, खानों खुजानो बेड पे। सुन रही है बहू, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ अम्मा सुन रहे हैं, दो कान हमें भी दिए भगवान ने, आ तो इस्तेमाल कर लिया करना। हम क्या कह रहे डॉक्टर साहब, कितने दिन को बेड रेस्ट है? अब इनके पास दिन ही कितने बचे हैं? मेरा मतलब है कि जैसे जैसे ये ठीक हो जाएंगी, आप सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाँ हाँ, हम तो जल्दी ठीक होने वाली पार्टी है, हमें अपनी बहू पे पूरा भरोसा है। वहाँ में ना सेवा भाव ना कूट कूट के भरो है। अम्मा जी ये आपके लिए अच्छा है, भाभी जी ये आपके लिए भी अच्छा है, और इस तरह का उदाहरण समाज के लिए अच्छा है। अम्मा जी अब आप आराम कीजिए और मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलती हूँ, आपकी डॉक्टर साहब फीस। अप्पू सिंह जी, फीस की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे वाह डॉक्टर मनहूस, अरे तू तो बहुत अच्छो इंसान निकलो, हमें जो उम्मीद ना थी, जीते रहो खुश रहो। कितनी बड़ी बात है, एक तो देखो आप जा के लोगों को देख रहे, इलाज कर रहे, ऊपर से फीस की बात नहीं कर रहे। अप्पू सिंह जी, खुशी की बात ये है कि फीस की जरूरत नहीं है। दुख की बात का है? उसके बदले हीटर लगेगा। ओक। मेरी भाभी जी से पहले ही बात हो गई थी, इतनी ठंड में आने के लिए फीस की जगह मैं एक हीटर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप सभी का राम नाम सत्य हो। और राम नाम सत्य होगा तेरो, बड़ी खुशी होगी। खुश रह। नहीं हमारी बात तो सुनो, ओ दादा हमारी सुनो तो तुम। हाँ सुना, कौन सी कथा सुना रहे तुम हमें? तुम्हें लग रहा हम सुनने के मूड में? अच्छा ठीक है भैया, हमारी बात जो बता दूं कि तुम सिर्फ गुस्सा हो तो काय हो? काय नहीं हो, हमसे जा पूछो कि गुस्सा काय नहीं हो। हाँ इतनी मुश्किल से जब ठंड से बचने को प्लान बनाओ तो हमने कि उतने लखनऊ में जाएंगे, कछु दिन आराम से रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी अम्मा को अब ही गिरना हो तो सारा प्लान चौपट। सही कह रहे, हमें खुद बुरू हमें लग रहा हूँ, लेकिन जो सोचो दुर्घटना तो कोनू के भी साथ हो सकती है, क्या कर सकते? ना ना दरोगा जी, बिल्कुल भी नहीं। जा घर में दुर्घटना केवल और केवल हमारे संग हो सकती है, वो भी तुम्हारी अम्मा करवाती हैं। अरे तुम दो मिनट ठंडे दिमाग से सोचो, अम्मा की हमारी हालत देखो, ऐसी ऐसी बेड पे पड़ी रहेंगी हम, बस बेड पे पड़ी नहीं रहेंगी, बेड पे पड़े पड़े जो है हुक्म चलाएंगी और हमें करने पड़ेगा फॉलो, ठीक है? 1100 हुकुम। अच्छा छोड़ो जी सब बातें, गर्म गर्मी छोड़ो, हम क्या कह रही? क्या कह रहे तू? दो चार दिन, सिर्फ दो चार दिन में सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कछु ठीक नहीं होगा, उन्हें बैठे बैठे सब कछु मिल रहा है, कैसे कहीं नहीं जाएंगी तुम्हारी अम्मा, इतनी बैठी रहेंगी। अरे हाँ बेटा, क्या बात है? मम्मी हमें आप दोनों से बात करनी थी अर्जेंट। क्या कहने हैं बता दो। चप्पल चप्पल ले चप्पल। अरे वो चप्पल दी दो दे दो पापा, बहुत कर रहा हूँ। मैजिक जी, कौन सा मैजिक है? मम्मी की भी नहीं। हाँ मम्मी, एक सेकंड, अपनी चप्पल ले जाओ ला। जो हाँ तो एक्चुअली पापा बात ऐसी है ना कि
मैं और रणबीर ना थोड़ा सा मैच में फेल हो गए हैं। थोड़ा सा फेल हो गए मतलब कितने परसेंट? परसेंटेज से क्या फर्क पड़ता है, फेल तो फेल ही रहना है। अरे दादा, पापा आपको एक और बार बोलना पड़ सकता है अरे दादा। काय काय से हमारे जो मास्टर जी हैं उन्होंने हमसे कहो है कि अगर तुम्हें पास होना है तो एक हीटर देनु पड़ेगो, और अगर उन्हें एक हीटर ना मिलो तो आपके घर के खानदान के चिराग बुझ जाएंगी। अरे दादा, देखा मैंने बोला था ना एक और बार बोलना पड़ेगा। अम्मा ने हमारे नथुनन में दम करके धरो है, तंग आ गए हम जगह से, ब्याह करके पछता रहे। मना एक और बना। बहनी क्या बताएं यार, तुमको पता है इतनी मुश्किल से सारू हमने हीटर को जुगाड़ करो, जैसे तैसे शाकाल की हाथ पांव जोड़े, और सारू जैसे ही मिलने की बारी आई ना बस ज्यादा देने पड़ रहे। अब यार इतने बड़े दरोगा हो, पूरा शहर तुम्हारे नाम से थर थर कांपता है, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो तो ऐसे। लाइन ऑर्डर है, हीटर नहीं है, और हमें तो दादा एक नहीं पांच पांच हीटर की जरूरत पड़ रही है। एक मिनट। अरे चुमलाल, किसी को भी सुनो, हम बता रहे पांच कैसे कहे कि एक जो है तुम्हारी अम्मा के लिए, एक जो है तुम्हारे और राजेश के लिए, और एक जो है उसका दोनों बिटिया के लिए बड़ी वाली, और एक जो है चौथा जो बचा वो हो गया तुम्हारे तीन बच्चों के लिए। भूल गो पांचवा कहीं। चुमलाल दिखा उंगली दिखा, मगर ये खाना चाहिए। आई लव यू यार। तो तुमको भूल जाएंगे, सुन तुमको नहीं भूल सकते। थैंक यू यार। लेकिन थैंक यू से काम ना चलेगा, हीटर की जुगाड़ तो लगाने पड़ेगी ना। नहीं नहीं, हम यही तो हम तुमको बोलना चाहते हैं कि खुश भी कर दिया हमको, लेकिन मुन्ना ये जो तुम्हारी सारी कपोल कल्पनाएं है ना, है जी। कौन सी कल्पना? कपोल कल्पना। कल्पना की बात ना कर, कल्पना ही तो दिमाग नहीं आ रहा। हो क्या बोला? कल्पना। फिर से बोलो। कल्पना ही तो कर रहे, हीटर। फिर से बोलो। हीटर। कल्पना, हीटर। हीटर की कल्पना कर रहे। चोलाल, तूने हमें कल्पना समझ लो। बहुत सही तगड़ा। तुमको वो, अरे तुम्हें नहीं कल्पना याद है, अपने अपने टाइम की कल्पना, वो कॉलेज वाली। अब कल्पना मतलब अग्रवाल हो गई है। चड्डा थी पहले चड्डा थी, अब अग्रवाल हो गई है, और अग्रवाल हीटर्स की मालकिन हो गई है वो। जोन से ब्याह करूं, बाकी फैक्ट्री है। कल्पना की फैक्ट्री है और हमें पता तक नहीं है। अरे वो, अरे दादा, तुम ये सोचो क्या लगता है वो मदद करेगी हमारी? यार पता नहीं, हमें लग तो नहीं रहा, जैसे हमने कांड करी हमें नहीं लग रहा वो मदद करेगी। एक सेकंड। नंबर है का बाकू? चमलाल, हम ये बोल रहे हैं कि इतना कुछ तो हमसे सीखे हो, थोड़ा बेनी प्रसाद BLLB है, वकील वाली बुद्धि कुछ कर डन है मामला। बेनी हापू, कॉलेज के दिनों में ना तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल जय वीरू वाली जोड़ी लगती थी। अरे बस तुम लोगों ने मुझे बसंती बनने का मौका ही नहीं दिया। तू दोनों नाराज हो जाते। हाँ? उनको कुछ नहीं, कुछ चाय को। हम का कह रहे कल्पना, असल में हमें तुमसे तनक जरूरी बात करनी थी। तुम तो जान रही, अब देख रू कैसी शीत लहरान वाली है कानपुर में, हड्डियां कांपने वाली, बिल्कुल सारी कड़कड़ाती ठंडा पड़ने, और हीटर के बिना काम ना चलेगो। हम वही कह रहे कि देखो, हमने ना सारे मार्केट में, सब जगह और मार्केट में और एक दुकान में छान मारा, कहीं भी ना हीटर नहीं, सब बिक गए, शॉर्टेज चल रही। तो फिर हम ये चाह रहे हैं कि तुम अपने पति देव से जो है जरा थोड़ा सा बोलो, पुराने दोस्त हैं हम, हैं कुछ मदद हो जाती, तो क्या कहते हो चुमलन? हाँ करेक्ट करेक्ट। कॉलेज के वक्त मैं हीटर थी, लेकिन तुम दोनों ने इस हीटर की कोई कदर ही नहीं की, और अब आ गए मार्केट में हीटर ढूंढते हुए। देखो मैं ना हिसाब की बहुत पक्की औरत हूँ,
कॉलेज के टाइम पे तुम दोनों ने मेरे साथ टाइम पास किया है ना, अब मैं तुम दोनों के साथ टाइम पास करूंगी। टाइम पास मतलब? मतलब तुम दोनों को मेरे साथ घूमने चलना पड़ेगा, बस हम तीनों। देखो अगर तुम लोगों को हीटर चाहिए तो तुम लोगों को मेरे साथ 2 days 3 nights नैनीताल की ट्रिप पे चलना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तुम लोगों को हीटर तो चुपचाप यहाँ से निकलो, चलते बनो। अरे तुमने ऐसे बम फोड़ दो, हमारी खोपड़ गया, काम ना कर रही, कान सुनने पड़ गए। बहनी हाँ हम लोग तनक आपस में बात करके तुम्हें बता रहे फिर यू के, हमें थोड़ी सो टाइम दे दो, अभी तनक खोपड़ गया, हमारी चकरा रही। बहनी आ जा, क्या टाइम डाले। ओके बाय अप्पू, आ जा बेटा, आ जा बहनी। बाय बहनी, नाइस जैकेट। अरे बहू का बताए, ये ठंडी ने तो नींबू निचोड़ रखे है भाई। हाँ माँ सही कह रही हो तुम, खाना बनते ही ना सबसे पहले हम बक्से में से तुम्हारा वो मोटा वाला स्वेटर निकाल देंगे, याद है तुम्हें शिमला में लाओ तो तुमने, जब आ रही तो कानपुरी शिमला जैसे हो गया। अरे वो स्वेटर अभी तक धर रखो है तूने? हाँ अम्मा। बहू ऐसा कर, वो स्वेटर तू ही पहन ले, भारी है ना, मोटो मोटो, हमसे भारी चीजें अब बर्दाश्त ना होते, हमें हल्की फुल्की चीजें चाहिए। अम्मा हम पहनेंगे तो तुम कब पहनोगी? ना ना हमें ना कोई अपनो पतलो सो साल दे दे, हम तो काम चला लेंगे, हम बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, हम बहुत नरम सी सॉल। नहीं अम्मा नरम सी तो एक भी नहीं, सब मोटी मोटी हैं ऊन वाली। ओहो भूल गई, 5 साल पहले हमने तो को एक पश्मीना को सॉल दऊ हतो, वही हमें लौटा दे, हम पहन लेंगे, गुजारा कर लेंगे ठंडी में। 5 साल पहले अम्मा वो सॉल तो तुमने हमें गिफ्ट करो तो, अब तुम्हें वापस भी लेने हैं? हाउ हम कब मना कर रहे हते कि हमने तो को गिफ्ट करो हा तो, पर कहा है कि अब ठंडी की हम ना डिमांड कर रहे, ठंड ठंडी सर्दी मांग रही है, साल पश्मीना का सॉल वह दे दे हमें, हम पहन के थोड़े से गर्म हो लेंगे। तुम सही अम्मा, पहले गिफ्ट करो बाकी बात दुगनी रफ्तार से वापस ले लो। खैर ठीक है दे देंगे। अरे बहू हम अपने लाने नहीं, वो तो सर्दी की वजह से मांग रहे, सुन, और वैसे भी हम तो को वापस कर देंगे जब सर्दी थोड़ी सी घट जाएगी, और का सॉल तो तेरो ही है गो। बिनो जल्दी से ले आओ। अरे आओ बताते कौन से पग? नहीं नहीं हम देख रहे थे जी, मैसेज का टोन। क्या है रजो, यार ठंड में मत बुलाया कर, रजाई में से निकलने का मन ही नहीं करता है। अरे बिन्नो सारा दिन भर रजाई में घुसी रहेगी ना तो खून जम जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। हो सही कह रही है अम्मा। क्यों बुलाया मुझे? इत्या तुम शॉल ले गई थी ना, वापस चाहिए हमें। अरे तेरी तो 2-3 शॉल है मेरे पास, उसमें से अम्मा के 3-4 तो। अरे पश्मीना शॉल अम्मा वाली। अच्छा पश्मीना शॉल अम्मा वाली उसकी बात कर रही है? मैं क्या बोल रही हूँ रज्जो की है ना, मुझे एक मेरी दोस्त है ना उसकी शादी में जाना है मुझे, तो एक बार ओढ़ के इतरा लूँ थोड़ा, फिर तेको दे दूंगी। है ऐसा बिन्नो हमारी अम्मा की ना फेवरेट शॉल है, ठीक है चाहिए उन्हें, जल्दी से जाओ ले आओ, हम तो पहले ही मना कर रहे थे तुम्हें, पर तुम्हें चाहिए तो चाहिए होता, चाहिए होता अच्छी है, बेनी को दिखाने हैं, ले आओ। मैं लेके आती हूँ लेकिन रफू करा लेना। क्या कर लेना? वो रफू रफू करा लेना। रफू काहे के लाने? कब हो? वो छेद है ना तो हवा अंदर जाएगी ना तो अम्मा थर थर कांपेगी। छेद कौन सो छेद? हाँ कैसो छेद? वो प्रेस कर रही थी ना तो छेद हो गया। कितो बड़ो छेद आगो। ठीक है फिर सिल लेगी बहू, पूरा देख लो अम्मा, इतो बड़ो। हाय बपैया जामे जीने नहीं देगी। ए, ये क्या है यार, ये क्या नंबर है?
हम तो सिर्फ मैथ के लिए लो रहे थे भाई, सिर्फ मैथ के लिए। ये तो हम साइंस में भी फेल है ब्रो, साइंस में भी, वो भी सिर्फ दो नंबर से। अगर दो नंबर मिल जाते तो भले ही नीचे से सही, पर पास तो हो जाते। चले मेरे भी पैक दे जाए। मास्टर जी भी ना एक दो नंबरों के लिए रुला देते। बता कौन सी दुकान चला। लाइए झोला उतारिए, आप थोड़ा हल्के हो जाइए। ठीक है ठीक है, खड़े रहो, हम बैठे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बेटा ऋतिक, रणवीर, तुम दोनों बिना मतलब की अपनी परछाई की भी मदद न करो और यहाँ हमारा झोला उठाने आ गए। सर आप परछाई थोड़ी हैंगे, आप तो मास्टर जी हैंगे। हाँ ठीक है, चलो मुद्दे पे आओ। सर एक्चुअली बात ये है कि हम तो सिर्फ मैथ के लिए रो रहे थे, लेकिन अब जब हमें मार्कशीट मिली तो पता चला हम साइंस में भी फेल है, वो भी दो नंबरों से, सिर्फ दो नंबर। तो आप दो नंबर बढ़ा दीजिए, हम पहले आएंगे। हाँ सर प्लीज। तुम दोनों भाई कमाल करते हो, स्कूल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सेम सब्जेक्ट में फेल, सेम मार्क्स। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे का कॉपी करते हो। नहीं सर, हम असल में एक साथ पढ़ते ना एक कमरे में, तो जो भी पढ़ते एक जैसे पढ़ते हैं वही लिख देते हैं, जय के लाने सेम मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल। बकवास बंद करो, अगर ढंग से पढ़ाई की होती ना तो हमें मक्खन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सर मक्खन क्यों लगाएंगे, मतलब अगर कोई बेवकूफ इंसान होता तो उसको मक्खन लगाते, लेकिन आप तो ज्ञानी हो, ज्ञानी, आप तो चिकने गड़े हो। मेरा मतलब है आप अच्छे इंसान हो। संस्कार नाम का चीज कूट कूट के भरा है आपके अंदर। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है। यस सर है। तो उन्हीं संस्कारों की कसम खा रहे सर हम, उन्हीं संस्कारों की। हम अब से जी जान लगा के पढ़ेंगे, बस इस बार आप दो नंबर बढ़ा दीजिए ना सर। सर हम अगली बार दुगनी मेहनत करेंगे, बस ये बार आप थोड़ा सा धक्का लगा दो, थोड़ा धक्का लगा के दो नंबर बढ़ा दो, दो नंबर। हाँ ठीक है, साइंस में हम दो नंबर बढ़ा देंगे। वाह, लेकिन हमारा भी एक शर्त है, दो हीटर लगेंगे। पप्पू, शाकाल, इतनी देर लगा रहा है, क्या हुआ हीटर का, क्या हुआ, कोई अपडेट? हमें करेक्ट आ जाओ चाहिए, तो अब तक हमें लग रहा हो कि लोगों से छुपती छुपाती अंजाम दे रहा हो, कांड कर रहा हो सकता हूँ। आने वालू है मनुअर आने वालू है, बताएगू। सर मैंने शाकल को हर जगह ढूंढा सर, लेकिन शाकल का कहीं आता पता नहीं सर। इस गायब। हीटर की डील तुमने की थी ना? क्या हुआ? आएगो आएगो, हम का कह रहे वो कचौड़ी खा के गए तो आएगो, पक्को आएगो, ट्रैफिक में फंस गए, बताना थोड़ी। ट्रैफिक में फंस गए? मुझे तो पूरा डाउट है सर कि वो हर बार की तरह इस बार भी आपको चूर रन की गोली देकर भाग गए। आप तीनों में से दरोगा अप्पू सिंह कौन है? दरोगा ये है, कुछ घंटों के लिए। बोलू सारी, शाकाल भाई ने आपके लिए कुछ भेजा है। हैं? कुछ भेजा है। हीटर। अरे साहब सुन तो लो, एक सेकंड वो कछु कह रहे हो आप, हीटर आपसे ज्यादा हमें चाहिए पांच। कब आपके लिए वॉइस नोट भेजा है। वॉइस नोट? देखो क्या हीटर के बारे। तुम तीनों गधों को शाकाल का नमस्कार। कितनी आसानी से मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया, और हाँ इस बेवकूफी का ताज जाता है तुम्हारे कमिश्नर रेशम पाल को। इतनी आसानी से मेरी रिहाई का आदेश दे दिया है। ओह माय गॉड सर,
शाकाल ने आपको फिर से गधा बोल दिया। अरे सुना मैंने। ठीक से नहीं सुना सर आपने, बड़ा वाला गधा बोला। अच्छा और भी है? हाँ एक जरूरी बात तुमको बता दें हम, मेरे पास कोई हीटर वीटर नहीं है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। कमिश्नर साहब खास तौर से आपके लिए, अब आपको मेरा जो भी नाम रखना हो रख दीजिए, आई डोंट केयर। ये शाकाल नहीं है, ये घसीटा मन है। मेरा फोन दीजिए। बैंकॉक सैंडविच। दादा